ऐसे काम करोगी तो कैसे काम चलेगा? अरे घर मेहमानों से भरा पड़ा है, देख रही हूँ मैं। मेरे रिश्तेदारों को देख कर ना तुम्हारा मूड ही खराब हो जाता है, मुंह बन जाता है, हाथों में जान ही नहीं रहती ना। नहीं मुमानी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। कोफ्ते मैंने बना लिए थे और कोरमा भी तैयार है, बस चावल रखूंगी अभी और जैसे तैयार होंगे मैं दम लगा दूंगी फौरन। अरे भाई तुम कोई जादूगर नहीं हो क्या, सारे काम अकेले करोगी? आज तुम्हारे जादू में मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगी, क्या याद करो। रखो रखो छुरी, रखो छुरी। कोई जरूरत नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? मैं देख रही हूँ, वैसे जब माँ का कोई काम करना होता है ना तो तुम्हारे जिस्म से जान निकल जाती है, और अगर अपने बाप के रिश्तेदारों का कोई काम करना होता है तो तुम्हारे जिस्म में बिजली भर जाती है। कोई जरूरत नहीं है, खुदा ना खास्ता हाथ वाथ कट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, शादी है तुम्हारी। तो अगर ये हाथ इसका कट गया तो आप इतना फर्क क्यों करती हैं हम दोनों में? हाँ मैं फर्क नहीं करती, कुछ नहीं होगा, इसे आदत है ये काम करने की, तो जिसका काम है उसे ही करने दो। शाबाश मेरे बच्चे, तुम जाओ जाकर अपने कजिन्स को टाइम दो। किन कजिन्स को? ये बेबी को? मुझे तो ये समझ नहीं आता उसको बेबी कहते क्यों है। मुझे तो लगता है वो मंगल बाजार से लाया हुआ ना कोई बैग है, ब्रांडेड बैग, और उसके बाद वो नमूना नगीना। आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ वो सूट करेगी बिल्कुल भी? कोई थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा हो कि वो आपके बेटे के साथ अच्छी लग रही है किसी भी तरफ से? यार कोई खुदा को खौफ कर ले बस। एक तो ना सितारा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है इस टाइम पे, इतना टब्बर आया और तुम कैसे करोगे, कुछ बोल लिया करो मुझसे। अच्छा फलक, अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं ना, आगे बहुत टेंशन हो गई है। चलो, कुछ बोला नहीं जाता तुमसे, इतना कुछ बोल के गई है तुम्हें। अच्छा तुम ये छोड़ो, तुम वो करो। यार वो मुझे नहीं आता, ये मैं करती हूँ। अगर हाथ कट गया ना तुम्हारा तो